नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। नागदा नगर में संचालित होने वाले बिरला समूह के गृहसम उद्योग में प्रकाश नगर निवासी सुनील पिता नेमीचंद्र जोशी उम्र लगभग 44 वर्ष स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे और रोजाना की तरह 15 अक्टूबर को भी कार्य करने गए थे कि अचानक रात 9 बजे के लगभग सुनील के परिजनों के पास फोन आया कि सुनील की अचानक तबियत खराब हो चुकी है। जब परिजन जन सेवा हॉस्पिटल पहुंचे और जानकारी ली तो कुछ देर बाद डॉक्टर ने सुनील जोशी को मृत घोषित कर दिया। मृतक की 2 बेटियां 7 और 9 साल की हैं और एक 11 साल का बेटा भी है। परिजन देर रात तक हॉस्पिटल में हंगामा करते रहे और सुबह मृतक सुनील का मृत शरीर घर ले जाने से इनकार कर दिया और बिरला ग्राम थाने पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान उनकी बेटियां भी मौजूद थी। परिजनों की मांग थी कि पहले ग्रेसिव मैनेजमेंट हमें लिखित में आश्वस्त करे कि परिजनों को सभी हित लाभ दिए जाएंगे व तीनों बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इस संबंध में जब कुछ मजदूर नेता परिजनों से बात करने पहुंचे तो परिजनों ने इन मजदूर नेताओं का विरोध किया, उनको वापस बेरंग लौटना पड़ा। इस संबंध में जब हमारे संवाददाता बंटी जटिया ने ग्रेसिम के अधिकारियों से उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो उन्होंने मीडिया के कैमरे पर बोलने से मना कर दिया। परिजनों ने मैनेजमेंट पर आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप था कि सुनील की मौत स्पिनिंग पर जिंक का उपयोग करने के कारण से हुई है और ये भी कहा गया है कि यहाँ के मजदूर नेता भी ग्रेसिम का ही गुणगान करते हैं, इसलिए हम सीधे मैनेजमेंट से बात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक कुछ सालों पहले मृतक सुनील के पापा व बड़े पापा की भी ग्रेसिम में कार्य के दौरान मौत हो चुकी है। क्या शुभ नाम है आपका? नाम शुभ क्या है? सत्यनारायण जोशी। जोशी जी, क्या घटना हुई? पूरी घटना का बताओ। अपना अंकल का लड़का सुनील मर गया था और इन्होंने बेवकूफ बनाने के लिए वेंटिलेटर में रखा करता और जबकि इनको सूचना देनी चाहिए घर वालों को, इन्होंने सूचना दी आके नागदा जी ने कहा। क्या फिर मैनेजमेंट से आपकी बात हुई? जनसेवा क्या क्या निर्णय निकला उस चीज का? जनसेवा निर्णय निकला, बोले जो भी हित लाभ है वो देंगे। तो मैंने बोला बच्चों के जो 18 साल तक जो बच्चे की जो पढ़ाई का खर्चा वो कौन देगा? आदमी तो चलेगा जो कमाने वाला था घर का मेन मुखिया, तो आप उसकी जो पढ़ाई का खर्चा वो दो। तो ये नेता लोग बोल रहे हैं क्या हमारे उसमें एग्रीमेंट नहीं है? एग्रीमेंट में तो सब आ जाता है, तुम भी एग्रीमेंट तुम भी समझौता कराने के बाद पीछे से ठेके लेते हो कि नहीं लेते? ये सब हो जाता है पीछे गलत से। तो ये बोले हम अभी मैनेजमेंट से बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। अगर अगर आपकी जो मांग आपने मैनेजमेंट से और नेताओं से रखी अगर वो पूरी नहीं होती तो आप उसके लिए कदम क्या उठाएंगे आगे? अगला कदम हम बॉडी को हाथ नहीं लगाएंगे, बॉडी यही पड़ी रहेगी, यही करते हैं। इसका मृतक की सूचना आपको आपके परिजन को कितनी बजे मिली? सूचना लेट मिली उसको, तो 7 बजे ले आए थे, 7:15 बजे ले आए थे। हमको सूचना मिली 9 बजे बाद। कहाँ से फोन आया था? कंपनी से आया था या किसी नेता से आया था? नेताओं की छुरी आया था, नेता कंपनी वाले यूनियन के आया था फोन? यूनियन के किसी नेता का फोन? अरे यूनियन का नहीं, पहले तो ये अपने जो कंपनी के अंदर जो अपने वर्कर है उन्होंने फोन करा था, बोले ऐसा ऐसा हो गया, फिर आज जनसभा से फोन आया। सर क्या नाम था? क्या नाम था भैया जो शांत हो गए बता, उनका नाम क्या था और किस विभाग में काम करते थे वो? उसमें स्पेलिंग में काम करता था। क्या शुभ नाम था आपका? सुनील जोशी। कितनी उम्र थी उनकी? 44 साल। निवासी कहाँ? निवासी कहाँ के थे? निवासी प्रकाश नंबर गली नंबर 3 गणेश देवी के पास। कितने वर्षों से काम कर रहे हैं ग्रेसिम के अंदर? ये मेरे इसके पिताजी की जगह लगा था, अरुण कंपनी उसके 5-7 साल हुए। अभी समझौता कराने मजदूर यूनियन के कुछ नेता आए थे, हाँ, तो परिजनों ने उनका बहिष्कार क्यों किया? देखो यहाँ के नेता सब बदमाश है, ये कहते क्या है करते क्या है, यहाँ के नेताओं पर एकदम पूरा भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए हमने मैनेजमेंट से बात करके कि हम मैनेजमेंट से ही बात करते हैं। तो फिर मैनेजमेंट ने एक शर्त रखी कि हम एक नेता को अपनी तरफ से आप उनका नाम चॉइस करोगे। तो मैंने बोला एक नेता को बुला लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर मेरे को सारे नेता नहीं चाहिए। तो एक नेता ने चेंजेस किसको किया? जगमान सिंह जी को किया है। अपने पास जनसेवा अस्पताल से लिखी रही है सुनील पिता नेमीचंद जोशी उम्र 44 साल निवासी नागदा का रहने वाला है, ये यहाँ का परमानेंट कर्मचारी है। तो कल रात में ये काम करने के दौरान में क्योंकि बीमार हुआ, बीमार होने के बाद इसको इलाज में भर्ती करा था जनसेवा अस्पताल, मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इसमें देरी प्राप्त हुई है, उस पर तो हमने थाना बिरला ग्राम पर मर क्रमांक 1921 धारा 174 धारा 5 का पंजीबद्ध कर जाँच में लिया है। मृतक पक्ष का कहना है कि साहब इसकी जो योजना है
फैक्ट्री की योजना के अंतर्गत हमें क्या क्या मिलेगा, इससे संबंधित हम मैनेजर से पहले चर्चा कराएं कर लें, उसके बाद इसका हम पीएम कराएंगे। तो चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद पीएम करेगा और मर जाते हैं। मृतक का मरने का कारण क्या है? वो मरने का कारण पीएम कराने के बाद बता पाएंगे। सर परिजनों का आरोप है कि गैस लगने से मृत्यु हुई है, इसमें क्या? अभी उसका पीएम हुआ ना, हुआ नहीं है। जैसे पीएम होगा, डॉक्टर उसकी जो पीएम रिपोर्ट प्राप्त होगी, मैं जैसा भी मृत्यु कारण उसमें बता पाऊंगा। सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि ये जो मृतक है, ये ग्रेसिव मैनेजमेंट का कहना है कि 2 दिन पूर्व जनसभा में एडमिट था, ये सही है? उनका कहना है इलाज के लिए भर्ती हुआ था कल ही, उनका भी ये कहना है। ये वो सब जांच का विषय है, जांच में जो भी आएगा हम बताएंगे। अभी उसका पीएम हुआ नहीं। अगर इनका ये कहना है कि अगर 2 दिन पहले अगर भर्ती था तो फिर इनने कंपनी के अंदर उसको कैसे अंदर एंट्री कर दिया, क्या बिना जांच के अंदर जाने थे क्या, जब इनके पास रिकॉर्ड था? 2 दिन का नहीं बता रहे हैं, ऐसा मैं ऐसे जानकारी प्राप्त नहीं हूँ। कल ही बीमार हुआ ऐसा इनका कहना है, कल ही बीमार हुआ काम के दौरान, इलाज भर्ती करा था, इलाज के दौरान मृत्यु हुई, अभी तक जाँच में ही आया। तो आपके द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि उसको लिखित में कुछ लेटर दिया जाएगा? उनका उनका ये कहना है हम कंपनी वाले से चर्चा कर लें, उसके बाद हम पीएम कराएंगे। तो वो चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद पीएम कराएंगे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी आएगी वो आपको बताएंगे। और मीडिया को अंदर जाने के लिए मना आप कर रहे हैं या मैनेजमेंट का? इसको कोई मना नहीं कर रहा हूँ किसी को, वो उनकी चर्चा कर रहे हैं परिवार की, उसके बाद आपको जो भी उसके परिवार वालों से चर्चा कराई जाएगी।